आपको सीधे असम के धेमाजी लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर रैली को संबोधित कर रहे हैं। हमें 5 साल दीजिए, हम आसाम को बदल देंगे। माताओं, बहनों, भाइयों, आपने 5 साल दिया, 5 साल के अंदर आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मुझे बताइए, 5 साल में एक भी आंदोलन हुआ है क्या? जोर से बोलिए, हुआ है क्या? कोई गोली से मरता है क्या? आतंकवाद होता है क्या? इसका मतलब साफ है, जब कांग्रेस आती है अशांति आती है और भाजपा आती है विकास आता है। आपको आतंकवाद चाहिए या विकास चाहिए, इसका चुनाव करने का ये चुनाव किसी विधायक को चुनने का नहीं है, किसी मुख्यमंत्री को चुनने का नहीं है, आसाम के भविष्य को संवारने का चुनाव है। और मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, हमने 5 साल में आसाम का विकास तो किया ही किया, मगर साथ साथ आसाम के गौरव को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी 15 साल तक यहां से सरदार मनमोहन सिंह सांसद बनकर गए, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, मगर भूपेन हजारिका को भारत रत्न नहीं मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भूपेन दा को भारत रत्न देने का काम किया। और विकास के मामले में मोदी जी का कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। सिर्फ यही बजट के अंदर आसाम के लिए 53,000 करोड़ रुपए का काम मोदी जी ने घोषित किया है। मित्रों, 53,000 करोड़ रुपए। और मैं आपको बताता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 नए ब्रिज बनाए, तेल के क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया। गुवाहाटी पर नवा हवाई अड्डा बन रहा है, जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है, टिहू में फुटपाथ बन रहा है, जोगी दोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। इसके साथ साथ गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बन रहा है। और अभी अभी इस सर्वानंद जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने 1,06,000 लोगों को जमीन का पट्टा देकर उसका अधिकार देने का काम किया। गैस की रॉयल्टी का 8,000 करोड़ रुपया इतने सालों से बकाया था, कभी नहीं देता था, मगर भाजपा की सरकार बनी, 3 ही महीने में सर्वानंद जी केंद्रीय मंत्री थे, उसको हमने 8,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, जोनाई के विकास के लिए भी ढेर सारा काम किया है। अग्निशमन, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवा स्टेशनों का निर्माण पूरा हो गया है। दोमाजी में ट्रांसफॉर्मर क्षमता जो 24 घंटा बिजली पहुंचाएगी, उसका विस्तार किया गया है। 45 करोड़ रुपए की लागत से दोमाजी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनने की भी बात शुरू हो गई है, जिससे हमारे बच्चे इंजीनियर बनकर यहीं पर आपकी सेवा करते करते अपना रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जी ने विशेष पैकेज के तहत मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाया है, जिससे मेरी माताएं बहनें एक गाय और एक भैंस पालकर पूरा घर का खर्चा उठा पाए। इस प्रकार की दोमाजी में टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इतने सालों से नहीं हो रही थी, हमारे विधायक भुवन ने बड़ा जोर लगाकर वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूर कराकर हर घर में पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था की है। ABP News, आपको रखे आगे।